जब दोनों तरफ से शंख बजने ही वाला था तो पारत ने कही कि हे कन्हैया, थोड़ी देर रथ मेरा बीच में खड़ा कर दो, दोनों दलों के बीच में, तो मैं ये देखना चाहता हूं कि मुझे लड़ना किन किन से है, किन किन से मुझे युद्ध करना है। तो आज सेनाओं के दोनों के बीच में जब रथ खड़ा किया नंदघोष, नंदघोष रथ था जिसमें अर्जुन आए थे, और आज जिस समय पार्थ ने नजर किया सामने कौरव सेना पे, दिखा कौन है, सामने किस पे नजर पड़ी है, और आप देखना अर्जुन हिम्मत क्यों हारा था कुरुक्षेत्र के मैदान में कैसे। अरे पहले रथ पे नजर करी ना दिखी गए ब्रह्मचारी रे, जीवन में ध्यान रखना
कि जो शिष्य से गुरु भयभीत हो जाए उसमें शिष्य का नाश होगा, और बैची अगर मरीज से भयभीत हैं तो मरीज का नाश होगा। आज अर्जुन विचार करता है कि जे बे मेरे गुरुदेवताएं किन्नमो दिन रात पढ़ाओ। अरे शाम को पढ़ाया, रात में पढ़ाया, दिन में पढ़ाया, और आज उस गुरु को मारने के लिए अर्जुन तू हत्या लाया है। हिम्मत हार आगे कृपाचार्य को देखा, इन कृपाचार्य की पूजा मेरा पूरा कुनवा करता रहा और मैं आज गुरु पर बांध चलाऊंगा। जब ये तीनों हट गए सामने से तो वे सौ भैया खड़े दिखे कौरव। क्या अरे आगे पूजा से नीचे उतरे हैं। तो तुमने कभी देखा हो कैलेंडर जो आता है गीता सार, उसमें देखना नजर भर के कि भगवान तो चक्कर लिए खड़े हैं सामने और धनुष धरती पे पड़ा हुआ है, अर्जुन घोंटू टेके हाथ जोड़े बैठे हैं। ये तस्वीर देखी होगी तुमने। तो पता है उस समय अर्जुन क्या कह रहे हैं भगवान से? रथ खड़ा हुआ है पीछे, भगवान धरती पे खड़े हुए हैं और अर्जुन घोंटू टेक के दोनों हाथ जोड़े बैठे हैं, और इधर दुर्योधन क्या कह रहा है गंगा पुत्र भीष्म से कि बाबा अब हमारी जी बादल की तरह से सेना भारी दिख रही है, जाए देख के अर्जुन भयभीत हो रहा है। पर वो आवाज ही नहीं आ रही है कि पारथ क्या कह रहे हैं और कन्हैया क्या कह रहे हैं। तो उस समय अर्जुन ने कही है दोनों हाथ जोड़ के, क्या कही है? अरे रथ को पीछे हटाई ले हो दीनानाथ, रथ को पीछे हटाई ले हो दीना ना तो। अरे मोई घर लौटाई की ले चालो, रथ को पीछे हटाई ले हो दीना ना तो, रथ को पीछे हटाई ले हो दीना ना तो। पीछे हटा लो दीना नाथ रे मोए घर लौटा के ले चलो। क्यों मो पे अरे समरू होई गोस्वामी नाई, मो पे समरू होई गोस्वामी नाई, मो पे समरा होई गो ठाकुर नाई। अरे सब नाच कोहर बन दे चालो, मो पे समरो ओए गो स्वामी नाए, मो पे समरो
अरे सबर राजो करवनो दे चालो। प्रभु जा राजगद्दी सिंहासन सब कौरवों को दे दो, अब मेरा कब्जा नहीं। भगवान ने की बिगड़ गो खेली, कितनी मुश्किल थे तो नीम जमा पाई। वो जे अर्जुन ही हथियार फेंकता है तो फिर युद्ध कहां होगा। उस समय भगवान ने गीता का उपदेश किया है, 700 श्लोक हैं गीता में। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानम सर्जाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। हे अर्जुन, जब जब हर युग में धर्म की हानि होती है और अत्याचारी बढ़ते हैं तब उन पापियों का विनाश करने के लिए मुझे धरती पर आना पड़ता है। इन्हें तू सामने जिंदा देख रहा है, ये जिंदा तो है ही नहीं, ये तो मरे हुए तो वैसे ही हैं। केवल तुझे तो श्रेय मिलना है इनको मारने का। पर एक बात और ध्यान रखना, हे पारथ, गांडीव उठाने में अर्जुन जितनी